कक्षा 6 गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति और उसमें हम प्रश्नावली आज 10.3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम परिमाप पढ़ चुके हैं। परिमाप क्या होता है? कोई भी जो बंद आकृति है उसके बाहर बाहर यानी बाउंड्री की माप को परिमाप कहते थे। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, क्षेत्रफल वही होता है जो बंद आकृति ने जितना तल घेरा हुआ है जमीन पर या किसी भी समतल पर। तो अब इस यहाँ पर तल समझने के लिए ऐसा समझ लो कि ये जो बोर्ड है एक तल है, ठीक है ना। अब बोर्ड में एक तल में जैसे मान लीजिए एक आकृति ऐसी है, तो ये बंद आकृति है। देखिए जहां से चले अगर वहीं पहुंच गए तो बंद आकृति बनी, ये भी एक बंद आकृति बनी है ना, ऐसा भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है। तो जो बंद आकृतियों के बाहर बाहर का जितना भी हमको नाप करते थे उसी की नाप को या उसी की माप को हम परिमाप कहते थे। यहां पर क्या करना है कि जो ये बंद आकृति ने जितना इस तल पर जितना क्षेत्र घेरा हुआ है इसका परिमाण यानी इसके भीतर भीतर की पूरा इलाका वो कहलाता है क्षेत्रफल। बस समझ में आई? तो क्षेत्रफल की परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम, जिससे हमको काम करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल की परिभाषा होगी क्या हो जाएगी कि किसी भी बंद आकृति का, किसी भी बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए परिमाण को, घेरे गए परिमाण को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो जितना भी इलाका वो अंदर अंदर का घेरता है इसका जो परिमाण होता है यानी इसका कुल कोई भी हिस्सा छूटे नहीं तो उसको जो है क्षेत्रफल कहते हैं। अब क्षेत्र अभी परिमाप का तो मालूम था, अब क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका हो सकता है? तो देखिए कुछ सामान्य आकृतियां लेते हैं। पहले सामान्य आकृतियों में जो एक दो आकृति से समझने की कोशिश करते हैं, तो एक सामान्य आकृति है जैसे इसका ये बोलते हैं ये आयत। क्या बोलते हैं? आयत क्यों बोलते हैं कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और सभी कोण जो है 90-90 डिग्री हो, तो वो कहलाता है आयत। उसी तरह इसी आयत को अगर पिचका के बराबर लंबाई बराबर चौड़ाई का कर दें यानी जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई का कर दें तो ये कहलाता है वर्ग, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री हो तो वर्ग कहलाता है। तो ये बिल्कुल सरल आकृतियां हैं। तो अब इनमें क्या है, जो ये जो बड़ी आकृति है यानी कि बड़ी भुजा है इसको हम अक्सर लंबाई का नाम देंगे, यानी कि जो भी आयत अगर कहीं लिखा होगा ये कहलाया आयत और ये कहलाया वर्ग। तो आयत में जो बड़ी भुजा होगी वो लंबाई कहलाएगी और जो छोटी भुजा होगी ये इसको हम चौड़ाई से नाम देंगे, ठीक है। लेकिन वर्ग में क्या कहेंगे, ये लंबाई और ये चौड़ाई ये सब तो बराबर ही है, तो कोई भी एक लंबाई हो जाएगी तो यही तो चौड़ाई है, यही चौड़ाई है और चौड़ाई और लंबाई दोनों एक बराबर है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चाहे तो आप बोलेंगे सभी लंबाइयां एक जैसी हैं, तो यहां पर चौड़ाई की जगह क्या कर देते हैं, यहां पर क्षेत्रफल क्या निकालने का क्या तरीका होता था, इस लंबाई का इस चौड़ाई में गुणा कर दें तो ये पूरा इलाका इधर कवर हो जाएगा। इसी तरह इस लंबाई में इस लंबाई का गुणा कर दें तो ये भी पूरा कवर हो जाएगा, यानी लंबाई में लंबाई का गुणा कर लिखने पर क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई अर्थात लंबाई का वर्ग भी बोल देते हैं हम लोग, ऐसा। बस समझ में आ रही? तो इस तरह जो है इसको हम आगे चल के हल करेंगे। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं इस प्रश्न नंबर एक पर। तो शुरू करते हैं, ये रहा पहला। ये सवाल उठाते हैं,
तो ए का पहले फोटो बना लो, कैसे बनता है ये चित्र के हिसाब से, कि उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके भुजाएं नीचे दी गई हैं। ये ए पार्ट है और इधर बी पार्ट, तो ए पार्ट को ए के सामने लिख देते हैं, बी को बी के सामने लिखते हैं। तो किसका क्या दिया है, आयत दिया है, ठीक है। तो आयत में क्या होता है, एक होती है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, ठीक। तो छोटी भुजा को हमने अभी अभी बोला कि ये छोटी भुजा को हम चौड़ाई मान लेते हैं और बड़ी भुजा को लंबाई मान लेते हैं। तो बड़ी भुजा ये है 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी अभी क्या देखा था, लंबाई में अगर हम चौड़ाई का गुणा कर दें तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब एक काम ये भी करिए कि पहले आप लंबाई अलग से लिख लीजिए, तो लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहां चाहे सीधे सीधे लिख दिए, ठीक है। और चौड़ाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, अब ये दोनों मान इसमें रख दीजिए, तो क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल, अब चाहे सीधे क्षेत्र, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई की जगह 4, चौड़ाई की जगह 3, अब देंगे 4 में 3 का, और यहां पर ये पहले पूरा पूरा लिख लीजिए, सेमी गुणे 3, सेमी यानी सेंटीमीटर, 4 तेई 12। अब ध्यान रखिएगा सेमी का सेमी में भी गुणा है, तो यहां पर लिखेंगे सेमी का वर्ग ऐसा, या दूसरी भाषा में 12 वर्ग सेंटीमीटर, या तो आप ऐसा लिख देना या तो इस तरह लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसको जो है ऐसा लिखा जाता है वर्ग, इसको पढ़ेंगे कैसे, 12 सेंटीमीटर की घात 2 का मतलब होता है 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी तरह इसका भी निकाल के देख लीजिए, इसमें कितना दिए हो 12 और 21, तो बी पार्ट में देख लीजिए क्या है, ये ऐसा लिख लेते हैं, ये आयत बना लिया। अब बड़ी भुजा को हम ऐसा लिख देते हैं, यह 21 मीटर दिया है, और छोटी भुजा को ये दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई दिया है 21 मीटर और चौड़ाई दिया है 12 मीटर, तो इनका गुणा कर दीजिए, सो 12 1 कम 12 की 2 और 12 2 24 और 1 25। अब मीटर में मीटर का गुणा कितना हो जाएगा, वर्ग मीटर, अगर ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा भी लिख दो, 252 और इधर मीटर और ऊपर की घात 2 लगा दो, तो इसको भी 252 वर्ग मीटर पढ़ते हैं, बस समझ में। अब इसी में सी और डी पार्ट है उसको उठाते हैं। इधर इसी का सी और डी पार्ट लेते हैं, तो इधर दिया है 2 किलोमीटर और इधर 3 किलोमीटर, तो सब आयत है, तो आयत तो ऐसे ही बनाते चलो, ठीक है जी। ये 2 ले लिया, इधर 3 ले लिया, इससे क्या होता है, चित्र बना लेने से आपको स्पष्ट हो जाता है, ये गोले नहीं होते हैं, बस इसको ऐसे सीधा बनाना है, ठीक है ऐसा। तो बड़ा कौन सा है ये, तो इसको लिख दो 3 किलोमीटर, तो ये लंबाई में चला जाएगा, है ना, ये भी लंबाई बन गई, और 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर फिर लिख दो, 2 किलोमीटर, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये आपको आसान हो गया। देख के काम करने में, चित्र बना के काम करेंगे तो आपको दिमाग में ज्यादा पकड़ता है। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो इसको क्या निकालें, आयत का क्षेत्रफल लिखो,
आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, देखिए आप इसमें अलग से आप लिखने की जरूरत नहीं, अगर देख के भी तो फोटो तो बनाई है आपने। तो लंबाई की जगह कितना लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, चौड़ाई में कितना लिखा है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या करना है, 3 × 2 = 6 और किलोमीटर, और किलोमीटर में क्या बन जाता है वर्ग किलोमीटर, किमी माने किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह आपका ये ए पार्ट, सी पार्ट हो गया। इस तरह डी पार्ट भी देखते हैं क्या है, 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है 70 सेंटीमीटर है। तो ये इसका भी बना लेते हैं, तो देखिए 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये दोनों अलग अलग पैमाने हैं, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो या तो इसको सेंटीमीटर में बना लो या सेंटीमीटर को मीटर में बना लो, दोनों आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर हम इसको मीटर में, देखिए मीटर वाला बड़ा होगा सेंटीमीटर छोटा होता है, तो मीटर वाली बड़ी भुजा इधर आ जाएगी, तो हम लिख लेंगे 2 मीटर, 2 मीटर का तो इधर बना दिया, और 70 सेंटीमीटर ये लिखेंगे 70 सेमी, 70 सेंटीमीटर। आप देखो जी इसको बदल लो, पैमाना पढ़ चुके हैं आप, क्योंकि 1 मीटर बराबर, इधर से लिखे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर को इधर लिख लो 100 सेमी बराबर 1 मीटर, तो 1 सेमी बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। 70 का निकालना है तो इधर 70 लगा दो, 70 का हो जाएगा 70/100 मीटर, 70/100 का मतलब हो गया इसका दशमलव में बना दीजिए, तो इस शून्य से इस शून्य 7/10 हुआ ना, तो 7/10 को क्या लिख सकते हैं 0.7 मीटर, कितना लिख सकते हैं 0.7, यानी ये 70 सेंटीमीटर को अब हम यहाँ पर 0.7 मीटर लिख लेते हैं, ठीक 0.7 मीटर हो गया। अब दोनों पैमाने कैसे हो गए, ये लंबाई मीटर में आ गई और 0.7 जो है ये भी मीटर में आ गया। अब करना क्या है, बस सीधा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई देखिए 2 मीटर है, 2 मीटर और चौड़ाई 0.7 मीटर, ठीक क्लियर। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 7 × 2 = 14 होता है, ठीक है। अब दशमलव कितने हैं, एक के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 1.4 मीटर में मीटर का गुणा कर दिया तो वर्ग मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में गुणा हो रहा है, परिमाप में जुड़ता है, जुड़ने में घात नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां से चले यहां, फिर यहां से चले यहां, फिर यहां से यहां यहां, तो ये लंबाई जुड़ रही है सब ऐसे, यानी ये सब धन हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें सीधा एक लंबाई का दूसरी लंबाई से गुणा, यानी इस लंबाई का या इस लंबाई का इस लंबाई से गुणा। गुणे में क्या होता है, गुणे में जब इसका वर्ग लगा दिया, यहां पर जोड़ है, जोड़ में जो उसका जो इकाई है वो वही रहती है, क्योंकि सब जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने से सब इकाई नहीं बदलती, लेकिन गुणा करने पर इकाई बदल जाती है। इकाई में हमेशा फिर वर्ग लिखा जाता है, क्या लिखा था वर्ग, और फिर जो भी इकाई दिया हो वो इकाई लिख देते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब लेते हैं सीख में दूसरा प्रश्न।
अब दूसरा प्रश्न ले रहे हैं कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। अब वर्ग बनाते का साफ साफ बोल दिया, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना। वर्ग कैसा होता है, ऐसा ऐसा आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर हो, यानी कि ये भी भुजा कहलाएगी और ये भी भुजा कहलाएगी। यानी पहले वहां लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते थे, यहां एक भुजा में दूसरी भुजा का गुणा करेंगे। तो बस इसका क्या है, क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल लेते हैं, तो ए को लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है ना। अब भुजा यहां पर कैसे बनेंगी जरा देख लो, ये ऐसा है, ये यहां पर दिया है 10 सेमी और इधर भी 10 सेमी, यानी ये भुजा है 10 और ये भी 10। ऐसा ये चित्र बनाने का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो गणित में कोई चीज आपको या रटना नहीं पड़ेगा, जल्दी याद आ जाएगा, क्योंकि ये भी भुजा कहला ये भी। बस तो करना क्या है, भुजा में भुजा का गुणा, तो इसका मान रख दीजिए, इस 10 सेमी में इस 10 सेमी का गुणा कर दीजिए, क्योंकि भुजा तो सेम है। तो 10 में 10 का गुणा हुआ तो बना 100, और जब इसका इसका गुणा होता है तो ये बन जाता है वर्ग और सेमी। बस इतना काम करना है, बस समझ पा रहे। बी को बना लेते हैं। बी वाले में देखो, ये इसका फोटो कैसा बना, यहां पर वर्ग तो वर्ग ही है, यहां पर 14 सेमी और यहां भी 14 सेमी लिख लेना है आपको, ठीक। अब सूत्र लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो भुजा माने यहां पर है 14 सेमी का इस 14 सेमी से गुणा कर देना है। तो 14 का अगर आपको वर्ग पहाड़ा याद हो तो ठीक है, नहीं तो पर एक एक करके गुणा कर ले। तो 14 चौक 56 की 6 हासिल का 5, 14 एकम 14 5 19 196। अब लिखोगे क्या, यहां वर्ग फिर सेमी, वर्ग क्यों, बार बार जब उसी का उसी में गुणा होता है तो यहां सेमी की जगह वर्ग। और अगर आपको आगे मैंने बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेमी को लिखने के बाद यहां पर 2 चढ़ा देंगे तो इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ये घात और घातांक जब कभी आपके आगे आएगा तो उसमें सिखाया जाएगा कि ये कैसे चढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन अब आपको आइडिया रहे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया है 5 मीटर, तो ये रहा वर्ग, ये 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि भुजा एक ही जैसी होती है सारी वर्ग में। तो इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई चौड़ाई नहीं लिखेंगे अब, ये पहले लिखेंगे भुजा, लंबाई चौड़ाई किस में लिखते हैं, आयत में। तो भुजा गुणे भुजा, तो भुजा है 5 मीटर गुणे 5 मीटर, 5 में 5 गुणा हुआ तो 25, और पहले लिखो हिंदी में वर्ग और फिर मीटर। तो इस तरह ये हमारा दूसरा प्रश्न होता है सॉल्व। अब हम लेते हैं इसी में तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित है, 3 आयत लगातार दिए गए हैं, एक है 9 मीटर और 6 मीटर, और बी है 3 मीटर और 17 मीटर, सी में दिया है 4 मीटर और 14 मीटर, ठीक है। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है, ये बताना है। तो ए बी सी को, हम तीनों को पहले अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें, फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तो दिख जाएगा। जिसके आंकड़े बड़े होंगे वो बड़ा क्षेत्रफल होगा, जिसके आंकड़े कम होंगे तो वो क्षेत्रफल छोटा होगा, सिंपल है। तो पहले यहां पर अलग अलग तीनों का हम निकाल लेते हैं, ए का यहां पर लेते हैं 9 मीटर और 6 मीटर। तो ए में कितना है, लंबाई बराबर 9 मीटर
और चौड़ाई बराबर 6 मीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जैसे ही पता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने से निकल आता है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसा कर लो। ठीक है, शॉर्ट में भी लिखने की आदत है, जैसे जब स्पीड बढ़ेगी तो पूरा पूरा लिखने की जगह ऐसा शॉर्ट में लिख लेना है। ठीक, तो लंबाई की जगह लिख देंगे 9 मीटर और चौड़ाई की जगह लिखेंगे 6 मीटर। तो 9 छक्के, इसमें गुणा कर दो, 9 छक्के 54। और जैसे ही ये बनता है तो यहाँ पर क्या लगाया दिख देता है, वर्ग और मीटर। ठीक है, तो बी ऐसे तीनों को लिख लीजिए तो तुलना करने में वो फिर ये वाला नीचे ही हिस्सा काम करने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया बी। बी में क्या है, बी में लिया है लंबाई दिया हुआ है, बड़ा वाला जो है लंबाई होता है 17 मीटर। आप ऐसा भी लिख लो, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना, लेकिन दो ही दिए हैं तो लंबाई, बड़ी भुजा को लंबाई ही लिखना। ठीक है, आसानी रहेगी। लंबाई और चौड़ाई में 3 मीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जी देखिए, अलग अलग कर लेते हैं, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई में चौड़ाई का गुणा। अब लंबाई में लिखा हुआ है 17 मीटर और चौड़ाई में है 3 मीटर। 17 दूनी 34, 17 3 51, और फिर क्या लगाओगे, वर्ग और यहां पर मीटर। ये तो हो गया बी। सी का भी देख लो, तो ये रहा सी, 4 मीटर और 14 मीटर। तो इसमें लंबाई जो आएगी, ये लंबाई दिया है 4 मीटर और चौड़ाई दिया है, लंबाई को 14 बना लो, क्योंकि हम अभी भी अब बड़ी भुजा को ही लंबाई शो कर रहे हैं। सो ये चौड़ाई 4 मीटर। ठीक, इसको भी चौड़ाई लंबाई मान लोगे, इसको चौड़ाई अंतर कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अभी एक रिदम बना रहे इसके लिए हम बड़ी भुजा को ही लंबाई ले रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितना है यहाँ पर, 14 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। ठीक है जी, तो 14 चौके 56 और वर्ग मीटर। ये तो हो गया क्षेत्रफल यहां तक का। ठीक है, इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसका कम, देखो जी किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक, किसका सबसे कम। तो सबसे कम सबसे अधिक देखने क्या तरीका है, इनको या तो आरोही क्रम में रख लीजिए या अवरोही। आरोही माने घटते क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही माने बढ़ते क्रम में और अवरोही माने घटते क्रम में। तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। तो देखो सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं 56, फिर उससे छोटा 54, फिर 51। तो पहले लिखेंगे क्षेत्रफलों का आरोही क्रम या अवरोही, जैसा भी करना हो। क्षेत्रफलों को किसमें लिखने हैं, हम अवरोही क्रम में लिख देते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम माने घटते घटते क्रम में। ठीक है, तो बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला है 56 और फिर उससे ये बड़ा है किससे, 54 से, और ये बड़ा है 51 से। यही तो अंक होता है ना, 56 बड़ा है 54 से, 54 बड़ा है 51 से। तो किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसका कम, देखो अब इसमें लिखना है एबीसी वाला लिखना है। तो 56 किसमें है, ए सी, यानी कि सी का क्षेत्रफल का
क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ऐसा लिखेंगे, सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और सबसे कम किसमें आया है? इनके बी वाले में। तो बी का सबसे कम, ठीक है। तो इस तरह इसका जवाब हो गया है ना, और ये तो बीच में है, तो इससे आपको पता चलेगा सबसे बड़ा ये वाला क्षेत्रफल है, फिर ये, फिर सबसे छोटा ये। ऐसे करके देखेंगे तो सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। तो ये होता है हमारा तीसरा नंबर। अब इसी में लेंगे चौथा नंबर। अब इसी का चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो जी, इसका फोटो कैसे बनेगा। ऐसा मान लीजिए एक आयत है, ये भीतर भीतर का यानी कि यहाँ का जो इलाका है, ये क्षेत्र है, ये दे दिया है 300 मीटर। 300 मीटर नहीं, वर्ग मीटर। और लंबाई यानी यहां से यहां तक दे दिया है 50 मीटर। और ये जो चौड़ाई है, ये जो वाली, इसको हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये दिया है, ये ज्ञात करना है। क्या तरीका है? सबसे पहले तो हमको जिससे ये भीतर का आया था, यानी कि क्षेत्रफल जिससे आया था, अगर हम उसका फार्मूला याद है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे करेंगे हम इसको? तो हल करते हैं। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार लिखा तो आप भी लिख दो, तभी तो सूत्र आसानी बनेगी। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है लंबाई में चौड़ाई का गुणा, और जो भी वर्ग पैमाना होता है वो वर्ग में लिख दिया जाता है। तो ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। अब हमको क्षेत्रफल भी दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया। तो हम क्या करें, पहले तो चौड़ाई का ही सीधा सीधा लिख लें तो हमको आसानी रहेगी। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, बगीचे की चौड़ाई कितना हो गया, क्षेत्रफल में इस लंबाई का भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा, अब पूरा पूरा नहीं लिखना आप, ठीक है, क्षेत्रफल बटे लंबाई। एक बार पूरा लिख दिया, अब ये पूरा पूरा लिख दिया, अब केवल हमको इससे मतलब क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल लिख दिया और उस लंबाई का भाग हो गया, तो हमारी चौड़ाई निकल आएगी। लास्ट में लिख देंगे कि बगीचे की चौड़ाई इतना मीटर है। तो ठीक है, अब दिया क्या क्या था देख लो। यहां पर जो दिया है क्या क्या, बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर, और लंबाई कितनी दी है, लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर। इसको यहां रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की जगह हम कितना लिखेंगे, 300। पैमाना लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना, और लंबाई दिया हुआ है यहां पर 50, ये लो, ठीक। काटते बनता है या तो भाग देते बने, 1-0 से 1-0 कट गया और ये अब बन गया ये 30/5, ठीक है ना। सो 5×5 और 5×6=30, यानी कितना बन गया, ये बच गया 6/1 माने 6। अब ध्यान रखना है किसमें है, ये पैमाना मीटर में है, तो हम लिखेंगे बगीचे की चौड़ाई, या लिखेंगे बगीचे की चौड़ाई बराबर 6 मीटर। ये इस तरह इसका हल हुआ। अब इसके आगे
अगले वीडियो में।